रेंज के साथ मैं हूं तैयब हमायो। आज मैं मौजूद हूं टोयोटा शोरूम में और आपको यारिस जो टोयोटा का न्यू मॉडल है इसका मैं आपको विजिट करवाने वाला हूं। इसके तमाम फीचर बताता हूं और इसकी प्राइस बताता हूं। 23.5 लाख से स्टार्ट होती है अप टू 29 लाख और 70,000 तक जाती है, तो एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा। आज मैं टोयोटा के शोरूम आया हूँ। यारिस जो टोयोटा का न्यू मॉडल है, पहले एक्सेल ही था, अभी इन्होंने यारिस कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक है। इसमें अभी मैं इसकी आपको इनवाइस और जो इनकी फंक्शन है वो आपको बताता हूँ। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, सीट्स भी अच्छी हैं, काफी बड़ी है, सीट्स इनकी अच्छी हैं, काफ़ी बड़ी गाड़ी है, तो इसकी बैक लाइट भी काफ़ी अच्छी है। ये टोयोटा यारिस है, ये काफ़ी अच्छे फंक्शन है, ऑटोमेटिक है इनका। अभी मैं आपको ये ग्रे कलर की जो कार दिखा रहा हूँ यारिस, ये GLI है, जो असल में पहले इसका नाम GLI था, अब इसको यारिस के नाम से मुतारिफ कराया गया है। इसकी इनवाइस जो है अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ 25,03,000, इसकी इनवाइस जो है 25,03,000 की विदाउट नंबर। आप नंबर के लिए तकरीबन ये है 1500 cc है, तो पीछे जो आपको मैंने दिखाई थी रेड कलर की वो 1300 cc थी और वो ऑटोमेटिक थी। जो 25,03,000 है ये मैनुअल है, इसकी प्राइस है 25,03,000 मैनुअल में। और ये GLI जो पहले आती थी, अब ये यारिस में इनका नाम है। अंदर से मैं आपके इसके फंक्शन चेक करवाता हूँ। ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। आप ये देखें जो पहले थी सेम वैसे ही है, काफ़ी गाड़ी अंदर से खुली है, अच्छी गाड़ी है। अगर आपने प्लान किया है कोई न्यू गाड़ी लेने का, तो पहले टोयोटा के लिए विजिट ज़रूर करें। अगर आपका 2.5 मिलियन तक आपकी एवरेज है, 20 से 30 लाख के दरमियान अगर कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि टोयोटा। ये देख सकते हैं अभी इन्होंने क्या कर दिया, पावर्ड विंडो कर दिया। अब ये पावर्ड विंडो है, हर चीज़ इसकी पावर्ड विंडो है। अब ये इसको ऑटोमेटिक है विंडो पावर। यारिस कार की जो प्राइसेस है, ये 23,50,000 से स्टार्ट होती है, 25,03,000, 27,50,000, 29,60,000। इसमें 4 से 5 प्राइसेस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, कोई 1300 cc है, कोई 1400 cc है, कोई 1500 cc है। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से जिस आप अपनी पावर परचेज पे परचेज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। इनके शोरूम में ये गाड़ी अब आ चुकी है। अब ये देखें जो ये है, ये 29 लाख। मैं आपको इसके फंक्शन भी बता देता हूँ, ये है ये भी गाड़ी, लेकिन इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 29,93,000। आप ये इसकी प्राइस देख सकते हैं। ये इसमें फंक्शंस और हैं और 29,05,000। आपको मैं इसके अंदर से इसका फंक्शन चेक करवाता हूँ। अब इसके अंदर से देखिए, XLA खत्म हो गई ना, क्योंकि इनकी GLA XLA सब की एक ही शेप थी, तो ये होंडा का जैसे सिटी ओड है, अकॉर्ड ओड है, स्विफ्ट ओड है, इनकी तो इतनी इंसल्ट होती थी, इनके इंजीनियर ही पता नहीं कैसे थे, सबका एक ही मॉडल था। अब GLA इतनी महंगी रहता था, तो उसकी भी वही प्राइस, XLA की भी वही प्राइस, वो तो बैठ के जो फंक्शन डिफरेंट थे ना, शेप एक।
ये 29,93,000 की है। इसकी मैं आपको डिग्री भी चेक करवाता हूँ, क्योंकि सबकी एक है। इसका ट्रंक जो है बैक साइड पर बहुत बड़ा है, काफ़ी चीज़ें ईजीली आ सकती हैं। आप ये देखें इनका ट्रंक बड़ा है, अच्छा है, ज़बरदस्त है। गाड़ी ओवरऑल देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये 29,00,000 की है। वैसे भी पक्षों में प्राइसेस वैसे भी अप हो चुकी है। ये ऑटोमेटिक थी 29,00,000 और 29,93,000 की यारिस। इसकी मैंने आपको दूसरा वेरिएंट भी दिखाया था, ये वाला था 27,63,000 का। सेम शेप है हर चीज़ है, लेकिन अंदर फंक्शन डिफरेंट है। 27,00,000 और जो मैंने आपको फ्रंट में दिखाई थी, इसकी बैक देखते हैं। हर एक की बैक एक ही है, शेप एक है, वेरिएंट डिफरेंट है, प्राइसेस डिफरेंट है। जो ये फाइनली मैं लास्ट वाली के बाद आ रहा हूँ, उसका देखते हैं इसकी प्राइसेस क्या थी। तो ये देखिए, ये भी सेम प्राइस है, लेकिन इसके आपको फंक्शन मैं अभी दिखाता हूँ। डिक्की भी सेम है, हर चीज़ सेम है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों ने अगर बुक करवानी है तो एक बार 23,00,000 ये है, 25,30,000 इसमें लिखे प्राइस है, 25,03,000।